आज की जो वीडियो है वो तलाए इंतशार के मुतालिक है। जिन लोगों को जो है होशियारी नहीं आती या उनका नफ्स बहुत ज़्यादा ढीला है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही आसान सा टोटका जो है वो लेकर आए हूँ। आसान सा नुस्खा समझ लें, टोटका समझ लें, बहुत ही ज़्यादा मर्दाना शेवत जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तलाए इंतशार इसका नाम भी यही है, ठीक है। तलाए इंतशार इसको इसलिए कहते हैं कि नफ्स में जो इंतशार से मुराद ये है, उर्दू में इंतशार कहते हैं, पंजाबी वर्ड में आप लोग इसको बोलते हैं कि होशियारी नहीं आती, शहवत नहीं आती। तो इस तला के इस्तेमाल से, यानी इस तेल के इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा जो शहवत है वो आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है आपने ज़रूर ट्राई करना है और इसका फीडबैक भी ज़रूर देना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर आपको बता दूँ कि इंशाल्लाह तमाम जो नुस्खे हैं वो मैं आपको लाइव भी बनाकर दिखाऊंगा, लेकिन उससे उसके लिए आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ताकि मुझे पता चल सके कितने लोग जो है मुझे पसंद करते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिनको वाकई ही इलाज की ज़रूरत है, और कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे आसान जो देसी नुस्खे हैं उन पर जो है अमल करके सेहतयाब होते हैं, ठीक है। ताकि मुझे पता चले मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए जो है वो नुस्खे आसान और देसी लेकर आता हूँ, ताकि आप जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। आज की जो वीडियो है वो तलाए इंतशार है, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, ठीक है। शहवत आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जिन लोगों का नफ्स जो है बहुत ज़्यादा ढीला है या उसमें होशियारी जो है वो कम आती है, ढीलापन है, ठीक है, उन तमाम चीज़ों के लिए जो है ये तला जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और ये कैसे इस्तेमाल करते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये तैयार होता है, उसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे आपको इसके नाम भी पढ़ के दिखा देता हूँ और आप देख भी लें, नोट कर लें। इज़ा जो आपने लेने हैं वो है शिंगरफ आपने लेनी है 2 माशा, ठीक है। इसके अलावा आपने जमाल घोटा लेना है 3 दाने। ये याद रखें जितनी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं इंग्रेडिएंट्स उतने ही आपने लेने, अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं करनी और ना ही जो है वो उसकी तादाद में आपने इजाफा करना है। शिंगरफ जो है 2 माशा, जमाल घोटा आपने टोटल 3 दाने लेने हैं, मगज़ पिस्ता जो है वो आपने 7 दाने लेने हैं, इसके अलावा बेर बूटी आपने 15 दाने जो है वो ले लेनी है। ये तकरीबन जो है वो 4 चीज़ें हैं, 3 से 4 चीज़ें ये आपने ले लेनी है। एक बार फिर पढ़ के सुना देता हूँ, शिंगरफ आपने लेनी है 2 माशा, जमाल घोटा आपने लेना है 3 दाने, मगज़ पिस्ता आपने लेना है 7 दाने और बेर बूटी आपने लेने हैं 15 दाने, ठीक है। ये तमाम अज्जा जो हैं आपने ले लेने हैं और आपको ये जो है पंसार की दुकान से बआसानी जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तरकीब और तैयारी आपने कैसे करनी है, पहले आपने शिंगरफ को बारीक जो है वो पीस लेना है, ठीक है, अच्छी तरह। फिर आपने इसमें जमाल घोटा एक एक दाना करके डालना है, ठीक है। पहले एक दाना डालें ताकि वो अच्छी तरह जो है वो खरल हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह पिस्ता जो है वो उसमें डालना है, ठीक है, उसको पीस लेना है अच्छी तरह। आखिर में आपने जो है बेर बूटी उसको आपने खरल कर देना है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा उसका सफूह बना लेना है पाउडर की शक्ल में, यहाँ तक कि आपने इतना पीसना है यहाँ तक कि मरहम की तरह जो है उसकी शक्ल हो जाए, या मरहम की तरह वो जो एक लेप होता है उस तरह जो है ये बन जाए। तो इसको आपने जो है इस्तेमाल में जो है इस तरह जब आप मरहम बन जाएगी तो आपने इसको इस्तेमाल करना है, बतौर तला आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा, पहले भी बता चुका हूँ, हमेशा जब भी आप कोई तला का इस्तेमाल करें या किसी मालिश का इस्तेमाल करें या तेल इस्तेमाल करें तो कोशिश किया करें हमेशा रात के वक्त मालिश करें, ठीक है। जैसे जिस्म के तमाम हिस्से जो हैं वो मसल्स रात को खुलते हैं, इसी तरह नफ्स की जो रगें होती हैं वो भी रात के टाइम जो हैं ओपन होती हैं। तो कोशिश किया करें हमेशा जो भी तला इस्तेमाल करें रात के वक्त करें। और फिर एक दफ़ा बता दूं कि तला आपने इस्तेमाल करते हुए नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना। बहुत से ऐसे सूरत इंजाल यानी जल्दी जो डिस्चार्ज होने वाले लोग हैं वो जो हैं वो ऊपर से नीचे करते हैं तो बजाय फ़ायदा होने के वो इंजाल हो जाते हैं। इसलिए कोशिश किया करें मालिश करते वक्त हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, ठीक है। और अगर आप फिर भी ये समझते हैं कि आपका इंजाल हो जाएगा तो फिर आप 1 मिनट 2 मिनट उसमें वक्फ़ा दे दें, ठीक है। नीचे से ऊपर हमेशा करें, कैप को छोड़ के आपने बाकी तमाम हिस्से पर आपने जो ये ऑयल है लगा देना, इंशाल्लाह इंतहाई शेवत पैदा करेगा, ठीक है। बहुत ही मुफीद है, आसान भी है, ज़रूर ट्राई करें। अपना फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है। इसके अलावा तमाम वीडियोस में आपके नॉलेज में इजाफे के लिए बनाता हूँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं ये लाइव वीडियो आप लोगों के लिए हर चीज़ आपको बनाकर दिखाऊंगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समझ नहीं आती
या वो नाम नहीं पढ़ सकते या जो है वो उनको जड़ी बूटियाँ ढूंढने में मुश्किल होती है, तो इंशाल्लाह लाइव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ठीक है जी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।